क्या सच में दुबई में बना मैन मेड आइलैंड डूब रहा है? अगर हाँ तो ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से इतनी भारी लागत से बनाया गया द्वीप समुद्र में समाता जा रहा है? 12 बिलियन यूएस डॉलर से बनाया गया पाम जुमेरा आइलैंड सच में धीरे धीरे समुद्र में ढह रहा है। इस आइलैंड को बनाने के लिए 5.5 मिलियन क्यूबिक मीटर पत्थरों को जहाजों से मंगवा कर यहाँ पर बिछाया गया। इस मैन मेड आइलैंड को बनाने के लिए 94 मिलियन क्यूबिक मीटर समुद्री रेत को बाहर निकाला गया। इतनी ज्यादा रेत को बाहर निकालने के लिए बड़ी बड़ी एक्सकवेटर मशीन को यूज किया गया। इसी बीच नासा ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें बताया गया कि पाम जुमेरा आइलैंड 5 मिलीमीटर प्रति वर्ष समुद्र में डूबता जा रहा है और साथ में समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें इस आइलैंड से रेत को वापस अपने अंदर समाती जा रही हैं। इस आइलैंड को बनाने के लिए लाखों टन रेत समुद्र से बाहर निकाली गई, जिस कारण हजारों समुद्री जीव जंतुओं के जीवन पर असर हुआ होगा। प्रकृति के साथ इतनी बड़ी छेड़छाड़ के कारण ही आज यह आइलैंड फिर से समुद्र में डूबता जा रहा है।